हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड। आज हम बचे हुए कपड़े से फ्रिल वाला कुशन कवर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर का कॉटन का कपड़ा लिया है और एक कुशन का कवर ले लिया है इसके मेजरमेंट के लिए। तो इस तरह से हम इसको रख के मेजर कर लेंगे और जितना हमें सिलाई मार्जिन चाहिए उस हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया है चारों साइड से। आप जितना रखते हैं सिलाई मार्जिन उतने उसी हिसाब से कट करें। और हमने ये बैक साइड के लिए एक छोटा और एक बड़ा पार्ट कट कर लिया है इस तरीके से। ये थोड़ा बड़ा वाला है और ये एक छोटा पीस हमने कट किया है इस तरह से। तो दो पीस हमने इस तरह से बैक साइड के लिए कट करे हैं और इनको ओपन साइड से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ये पट्टी ली है फ्रिल के लिए, तो जिसको एक साइड से मैंने पीको कर लिया है और ये दूसरी पट्टी को भी मैंने दूसरी एक साइड से पीको कर लिया है। तो एक पट्टी मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की ली थी जो तैयार होने पे 3 इंच की हुई है, और ये दूसरी वाली मैंने 2.5 इंच की ली थी, तैयार होके 2 इंच की हुई है ये। तो इस तरह से हम जितना दूर हमें रखना है फ्रिल को दूसरी वाली छोटी वाली को, उस तरह से रखते हुए जो कपड़ा हमारा नीचे वाली फ्रिल का बचेगा उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड को। तो वो जो साटन का कपड़ा है वो उस लेगा भी नहीं और फ्रिल भी हमारी बहुत आसानी से लग जाएगी इसमें। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, दुपट्टे से, साड़ी से, आपके पास कोई कट पीस बचा रखा हो, कोई भी फैंसी डिज़ाइनर पीस बचा टुकड़ा हो, आप उससे फ्रिल वाला कुशन कवर बनाइए। बहुत ही सुंदर बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड के दोनों पार्ट में सिलाई कर दी है और ये फ्रिल की पट्टी पर भी इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे फोल्ड करते हुए। और ये सिलाई हमें पीको की अपोजिट साइड में लगानी है इस तरह से, तरह से डबल पट्टियां तैयार हो चुकी हैं लग के। तो अब हम फ्रिल बनाएंगे इस पर। तो हमने फ्रंट का कपड़ा ले लिया है, इस तरीके से सीधा रख लेंगे और फ्रिल को उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और प्लेटें बनाते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। और फ्रिल की पट्टी पे आप चाहें तो पीको की जगह फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। आप यहाँ पे अपने अनुसार फ्रिल की प्लेटें बना सकते हैं। 1 इंच की बनाई है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसकी दूरी मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी दूर आपको रखनी है प्लेटें, और कैसी चुनटे बनानी है वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे फ्रिल इसकी बनने के बाद कुछ इस तरीके से ये तैयार होगी। और यहाँ कॉर्नर पे हम इस प्लेट बनाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और फिर साइड में इसको घुमा लेंगे अपनी तरफ। इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए प्लेट बनाएंगे दूसरी साइड, और पूरे में हम प्लेट बनाते हुए इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई दिख रही है फ्रेंड्स, इसके इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें दूसरी सिलाई लगानी है ताकि जो वाइट वाला कपड़ा हमने फोल्ड किया था वो अंदर की साइड हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से लगा लिया है पूरा फ्रिल और ये लास्ट में हमें कॉर्नर पे इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद ये इस तरह से बन के तैयार हुई है, हमारी फ्रिल बन लग गई है इसमें। तो अब इसका बैक पार्ट जॉइंट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर जो हमने इसकी पट्टी पर जो सिलाई लगाई थी वो थोड़ी नीचे की साइड है और ऊपर की साइड थोड़ा हमने फ्रिल लगाते हुए लगाई है। ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो फिर इसका जो दूसरा वाला कपड़ा है वो सीधी साइड में दिखने लगेगा। और अब हम इसको फ्रिल को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से इसके बैक पार्ट को जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने चारों साइड इसके फोल्ड कर दिए हैं और अब हम इसका बैक पार्ट जॉइंट कर देंगे इसमें इस तरह से रखते हुए। चारों साइड हमें इस पर सिलाई लगानी है। अगर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको पहले पिनअप कर लें उसके बाद इस पर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड सिलाई लगा ली है और अब मैं इसको सीधा करके देखूँगी। और ये हमारा कुशन कवर बन के तैयार हो गया है इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखिए उसके कॉर्नर में देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, इसकी प्लेटें कितनी प्रॉपर और पूरी फिनिशिंग से हमें दिख रही हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन कवर बन के तैयार हो गया है, तो अब इसको हम क्वेश्चन पे लगा के देखेंगे कैसे लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको कुशन पे लगा दिया और ये लगने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है डबल फिल का कुशन हमारा ये। और इसको बनाना बहुत ही इजी है, ये आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।